राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान की दया से सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहें। मेरी यही भगवान से विनती है कि सब लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को NLSS सॉफ्टवेयर के बारे में एक और नई जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि NLSS सॉफ्टवेयर में बिल प्रिंट कैसे किया जाता है और बिल प्रिंट करने के बाद बिल को सेटल कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोगों से यही निवेदन, मैं बार बार यही कहता हूं कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखें आप लोग, तभी आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो मैं शुरू करता हूँ, आप बने रहें वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका ऐसे देखिए फ्रंट ऑफिस, ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है फ्रंट ऑफिस वाला, तो इस पर जब क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए ऑपरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और ये स्टेटस पे, रूम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो रूम आ जाएगा। इसके बाद आपको जो भी रूम चेकआउट करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं 102 को चेकआउट करने वाला हूँ तो इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए बिल प्रिंट लिखा है तो इस पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए क्या बोल रहा है कि आज का पोस्ट करना है, आज का चार्ज, तो हमें आज का नहीं करना है तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद देखिए ऐसा पेज खुलेगा, इसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए बिल प्रिंट है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सही के क्लिक हो गया है। इसके बाद आप बाहर आ जाइए एग्जिट करके और ये देखिए प्रिंट के लिए बोल रहा, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद आप बैक आइए, बैक आने के बाद ये देखिए इसका कलर बदल जाएगा, तो आप दूसरे रूम का देख सकते हैं, इसमें कलर नहीं बदलेगा क्योंकि इसको आपने प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ 102 रूम नंबर को प्रिंट हमने किया है तो उसका देखिए कलर बदल गया है। तो इसके बाद अब बिल सेटल करना है हमें, तो फिर से क्लिक कीजिए 102 रूम नंबर पर और इसके बाद आप ये देखिए बिल सेटल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल सेटल, तो इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बोल रहा है कि पेमेंट कैसे आप लिए, तो हम कैश कर देते हैं और बोल रहा प्रिंट करने के लिए तो हमको नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 102 रूम नंबर हट गया है, सिर्फ दो ही रूम बचे हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।